इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें, और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल और उनके संपादक सुरेश चौहान से जुड़ा हुआ है। सुरेश चौहान एक नए जे को जो है जो यूपीएससी में नौकरशाही में जो नया जे चल रहा है उसको लेकर वो खुलासा करने वाले थे। ये जो पंच मक्कार बिरादरी है ये सिर्फ आपको अपनी बात सुनाना चाहती है, स्वतंत्रता आपके विचारों को नहीं देना चाहती। पहले उन्होंने दिल्ली राइट्स किताब पे प्रतिबंध लगवाया और अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट कि आप सुदर्शन चैनल पर प्रतिबंध लगाओ। सुदर्शन चैनल पर प्रतिबंध लगाने से या उनके प्रोग्राम को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि बिना कार्यक्रम प्रसारित हुए इसको इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। पंचमक्कार संवैधानिक संस्था का इतना मजाक उड़ाते हैं, हमला करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे जिसमें रोक लगाने से मना किया था उससे छुपा लिया और दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए। रात के 8 बजे वो बिंदास बोल आने वाला था। 8 बजे से ठीक 8 मिनट पहले सुरेश चौहान के मुताबिक वो नोटिस उनको सर्व हुआ और बिंदास बोल को बंद करना पड़ा। बाद में पता चला कि हाईकोर्ट को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है और इन लोगों ने हाईकोर्ट से इसे छुपा लिया है। यानी देश की संवैधानिक संस्था के साथ ये पंच मक्कार बिरादरी किस तरह से खिलवाड़ करती है ये देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बिना देखे किसी चीज को रोका नहीं जा सकता। ये बड़ी बात थी, लेकिन इस चीज को दबा कर ये लोग हाईकोर्ट पहुंच गए थे। इसमें साफ साफ ये विचारों की स्वतंत्रता के जो झंडबदार हैं, जो तथाकथित लिबरल्स कहे जाते हैं लेकिन वास्तव में अधिनायकवादी हैं, वास्तव में हिटलरवादी हैं, वास्तव में तानाशाह हैं, वास्तव में फासिस्ट हैं, ये पंचमक्कार बिरादरी, पांचों बिरादरी शामिल है, ये आपके विचारों को कुचलना चाहते हैं। और ये इनकी विचारधारा का मूल है कि वो आपको बोलने नहीं देंगे, आपको लिखने नहीं देंगे, आपको शो करने नहीं देंगे। उससे इंडिया स्पीक्स डेली भी गुजरा है। इंडिया स्पीक्स डेली के यूट्यूब चैनल पे बैन लगा, वेबसाइट पे हमले हुए, चैनल जो वीमो पे शुरू किया गया उसको डिलीट करवा दिया गया। ये लगातार हमने झेले हैं और अब तो हमने, लेकिन हम मजबूती के साथ दिल्ली राइट्स में मोनिका अरोड़ा एंड उनकी टीम के साथ हम मजबूती से खड़े हुए और ब्लूबेरी पब्लिकेशन से अपनी 6 की 6 किताब वापस ली। इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर, क्योंकि लाखों की रॉयल्टी जो मुझे साल में आती है, जो मेरे फैमिली को एक सिक्योर करती है ताकि मैं स्वतंत्रता से काम कर सकूं, उसे मैंने ठुकराया है। मैं फिर से आपाधापी जद्दोजहद में लगा हूं अपने लाइफ के, लेकिन विचारों से समझौता मैंने नहीं किया है। इसी तरह व्यक्तिगत विचारों का को त्यागना पड़ेगा और इन सब के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ में ये गए थे। इस पर इस पीठ ने कहा, हमें प्रतिबंध लगाने से पहले गंभीरता के हर पहलू को देखना होगा, निर्णय लेने से पहले सभी संभावित परिणामों को देखना होगा। पीठ ने कहा, हम 49 सेकंड की क्लिप के अप्रत्यापित प्रतिलेख पर पूर्व प्रसारण पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल किया, पंच मक्कारों को थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा, वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण को ऐसी शक्तियां हैं जिनमें वे सामाजिक सद्भाव और समुदाय के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को कानून के तहत सुनिश्चित कर सके। साथ ही पीठ ने प्रसारण रोकने की याचिका पर केंद्र, भारतीय प्रेस परिषद, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और सुदर्शन न्यूज को नोटिस जारी कर 15 सितंबर को अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है, लेकिन इस फैसले को छुपाकर दिल्ली हाई कोर्ट से ये स्टे ऑर्डर ले आए। कहां कहां लड़िएगा, ये इतने मक्कार लोग हैं और इन मक्कारों को जवाब देना बहुत जरूरी है।
क्योंकि यदि आपने जवाब नहीं दिया तो ये आपकी स्वतंत्रता, आपके अधिकार उन सब का ये हनन करेंगे, क्योंकि ये आजादी में, ये स्वतंत्रता में, ये विचारों की स्वतंत्रता में यकीन नहीं रखते, ये तानाशाह लोग हैं।